नमस्कार, न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। समाचार के साथ एक बार फिर मैं उपस्थित हूं महेश कुमार झा। जैसा कि मैं लगातार आप तमाम दर्शकों को बताता रहा हूं कि हमारा उद्देश्य सिर्फ समाचार दिखाना नहीं, समाज को जागृत करना भी हमारा उद्देश्य रहा है। लगातार हम प्रयास करते हैं कि घटना के बारे में आपको विस्तार से बताएं ताकि इसकी पुनरावृत्ति ना हो, यदि हो तो उस पर कड़ा एक्शन हो। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं धनबाद जिला के पूर्वी टुंडी प्रखंड का एक पंचायत है रामपुर, जहां एक लाभुक अपने मुखिया के पास यह कहने जाता है कि हम मुख्यमंत्री के द्वारा चलाई गए योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, आप इसमें मेरी मदद करें। मुखिया उसे दुत्कार देते हैं, उनके परिवार वाले दुत्कार देते हैं। पूर्व मुखिया का कहना था कि तेरा काम नहीं होगा। जब समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग उसके पीछे लगे, कुछ पत्रकार इस मामले को उठाए, तो उसका काम तो हो गया, परंतु उसका दुष्परिणाम उस समाज के ऐसे लोगों पर पड़ रहा है जिसने उस व्यक्ति का मदद किया था। अप्रत्यक्ष तौर पर उसे परेशान किया जा रहा है और इतना ही नहीं, उस व्यक्ति के बहन से ही उस पर केस करा दिया गया। उसकी बहन इलिटरेट है, पढ़ी लिखी नहीं है। उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हमारे यहाँ किसी ने पत्थर मारा है, किसी ने आके मेरा हाथ पकड़ने का प्रयास किया है, मैं उसे जानती नहीं हूँ। क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए कुछ लोग मिलकर उसे बहका कर उनके भाई के ऊपर ही FIR करा दिया गया। अब उन्हें बेल लेना पड़ा, परेशानी क्या है, आइए पहले हम आपको सुनाते हैं मामला क्या है। बात नहीं तो अखन को की के बात को कह तो मारना हो तो मार ले, मार ले की काम करो। सेटा हम मुखिया से बात करना हो, मुखिया मैडम से बात करना, क्लियर बात भाई? तो हमें मुखिया मैडम से बात करना, चल चल को दाखिल ना है, हमारे काम पड़ते तो हम तोर घर नहीं तो कहाँ आई वो पंचायत भवन वाला बात ना है, हमारे से तोर से काम हो अखन तो करब है तू काम का है काम इतने हो कि तो योजना में हमारे तो रोक कहे लगे ले तो फोन करके रोजगार सेवक के कहे कले की हाँ भाई अगर विवादित जमीन ई सर्टिफिकेट तो देने वाला क्या लगे तो देने वाला हाँ मैं हूँ आगरा इथी प्रूव करके ना तो अखन इथी रिपोर्ट हमार जठा खुद कले की तू काम करे खाना ठीक हो आ कोई जबरदस्ती वाला बात कर ले कर्मचारी से ना हम तोर से बात करबो अगर तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ना दिया है हमारे जठा से तो हम ऊपर तक जीबू पहले बता दी चल जीबू ना कोनो दिक्कत नहीं ना ठीक। ये बताना इसलिए जरूरी है कि लोग अनपढ़ का फायदा कैसे उठाते हैं। कुछ दिन पहले, दो या चार दिन पहले घर पर किसी ने पत्थर मारा, जब ये बाहर आए तो इनका हाथ पकड़ने का शायद उसने प्रयास किया, परंतु ये उन्हें पहचान नहीं पाई। जब यह शिकायत लेकर स्थानीय मुखिया, जो इनके मुखिया हैं, उनके घर गए तो उन्होंने आवेदन में छेड़छाड़ किया और तीन व्यक्ति का नाम डाल दिया, जिसमें एक इनका भाई भी है। जब इनके भाई ने इनसे पूछा कि वो कब आए थे, उनका नाम क्यों डाला गया, ये खुद आश्चर्यचकित रह गए और अब यह कह रही हैं कि इन्हें मालूम ही नहीं था क्या था पूरा घटना, क्यों मुखिया ने बदला लेने का प्रयास किया, क्यों नाम इनके भाई का या अन्य लोगों का डाला। इन्हीं के जुबानी सुनिए और समझिए क्या था पूरा घटना। पहला प्रश्न यही रहेगा, घटना क्या था, पहले ये दर्शकों को बताएं, फिर आप बताएंगे कि आपके साथ छल कैसे हुआ। रात को बीते को रात को 10 बजे 8 बजे आदमी आया मेरा घर में पत्थर मारा, पत्थर मारने के बाद कहा कि हम बाहर निकले तो मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ा तो एक आदमी था, पहचान नहीं पाए वो कौन था, पहचान नहीं पाए कौन था। तो वो जो एक आदमी था वो जो भागा तो भागने के क्रम में भी आप उसको नहीं समझ पाए अंधेरा था लाइन। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो भाग गया, उसके बाद बोल रहा है कि उसको जान मारेंगे। वहाँ से फिर आप जो मुखिया के यहाँ गए वहाँ का कहानी सुबह हुआ, मुखिया के पास गए सहायता लेने के लिए कि हमको क्या करना है, तो वो बोला कि केस करो, हम बोले केस करेंगे डायरी देना है थाना, तो बोला ठीक है डायरी देंगे, तो वो लोग लिखने लगा, क्या लिखा नहीं लिखा हम तो पढ़ी लिखी है नहीं, हमको नहीं समझ में आया। तो फिर जब आपके भाई का नाम आपने खुद डाल दिया, ये बोल रहे हैं आपके भाई साहब, तो कैसे पता चला कि आपका भाई का नाम डाला गया? तो हम तो वहाँ देखे नहीं, जब थाना में गए तब पता चला कि उसका नाम है। तो एक्चुअली आपने क्या देखा था, किसी को देखा था क्या? नहीं। तो अभी चूंकि आप अपने ही भाई का नाम गलती से डाल दिए, या अगला ने उसका बदला लेने का प्रयास किया, बदला लेने का प्रयास किया,
सुना आपने क्या कहा इस महिला ने, इन्हें तो पता ही नहीं है कि इनके भाई का नाम वहां जा रहा है। जब बाद में पता चला इन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुका था, बेल लेना पड़ा। अब सवाल यह है कि आखिर 420 करने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों ना हो। जब कोई व्यक्ति अपना हक मांग रहा हो, दूसरा समाज का सामाजिक व्यक्ति उसे न्याय दिला रहा हो, तो क्या उसे अप्रत्यक्ष तौर पर परेशान किया जाए, परोक्ष रूप से उसे इतनी प्रताड़ित किया जाए ताकि आने वाले समय में वह ऐसा कदम ना उठाए, वो परहेज करे। सामान्यतः ऐसा होता रहा है। यदि हमें समाज को एक सही दिशा पर ले जाना है तो ऐसे लोगों का मदद करना हमारी जिम्मेवारी है, हमारा कर्तव्य है। आइए आपको सुनाते हैं कि उस व्यक्ति जिसके ऊपर उनके वाहन से केस करवाया गया वो बता रहे हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, गांव के आम बागवानी के एक लाभुक बसंत राय थे, जो उनसे मुखिया से हाथापाई हुई थी। वो अपना आम बागवानी का खेती के विषय में NOC जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए गए हुए थे, तो उनसे मारपीट किया या झपट उनसे किया गया था। तो वो आके हमसे संपर्क किए, बातचीत किए, दो चार और लोग गांव वाले से बात भी किए थे। तब फिर उसमें प्रेस का बात रही, प्रेस वाला से बोले जब नया लेना है तो प्रेस भी बुलाइए, लिखित भी दिया जाए। तब जाके क्या हुआ, अभी तक प्रेस के माध्यम से बसंत राय जो लाभुक थे आम बागवानी का, उसका काम का नया मिल गया। हम लोग का मतलब हम लोग उसमें बाइट भी दिए गए थे, उसी का मतलब कारण उसी का गुस्सा हम लोगों पर निकाला जा रहा है। पूर्व मुखिया लक्ष्मी रजक है, वह पूर्व मुखिया जो लक्ष्मी रजक है वो हम पर मतलब टारगेट किए हुए थे कि यही लड़का मतलब हमारा बीच कोई भी चीज मेरा सामाजिक में हो चाहे विकास में हो, सच्चाई पर लड़का लड़ता है तो फिर इन्हीं को दबाया जाए, इसीलिए वो साजिश करता हमको भी फंसाया गया है। बहन मेरी जो बहन है उसको कुछ मालूम नहीं है कि इसमें मेरा भाई का भी नाम दर्ज किया गया। जब मैं अपना बहन से मिली तो बोला भाई हमें इसे कुछ मालूम नहीं था और आपका नाम भी डाल दिया गया, ये भी मुझे पता नहीं कि इसमें खुद का मेरा ही नाम से छेड़खानी का नाम से करवा दिया गया। आपने सुना, अब सुनकर आपको यह तो स्पष्ट पता चल ही गया होगा कि जब प्रत्यक्ष तौर पर लड़ाई नहीं कर सकता है तो कोई परोक्ष रूप से कैसे परेशान करता है। अब इन लोगों का कहना है कि आने वाले समय में वो SSP के पास जाएंगे। कल सामाजिक स्तर पर बात चल रही है, कुछ प्रबुद्ध लोग जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उनका कहना है कि हम लोग मिलकर इस पर बात करते हैं, यह गलत हुआ है, आने वाले समय में किसी के साथ ऐसा ना हो। अधिकार मांगना हर नागरिक का कर्तव्य है और राजनीति का पहला जो डेवलपमेंट का सीढ़ी है वो है मुखिया। जब मुखिया इस तरह का करेंगे तो जनता कहां जाएगी। अब यह तो भला था उस आदमी का कि वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, उसने वीडियो करना शुरू कर दिया। मैंने यह खबर को प्राथमिकता के साथ दिखाया था कि कैसे पूर्व मुखिया जो अभी मुखिया का बेटा है उसने मोबाइल छीनने का भी प्रयास किया था। जब यह वीडियो वायरल हुआ, इस विषय पर जब मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्वी टुंडी से पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वीडियो देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है और यदि इस तरह की भावना से तिरस्कृत है मुखिया कि जिसने वोट नहीं दिया उसे वो डेवलपमेंट में शामिल नहीं करेंगे तो यह गलत है। और आखिरी वार्निंग दी जा रही है, यदि लगातार यह ऐसा करेंगे तो इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पहले भी कुछ मामला ऐसा हुआ है जैसा प्रखंड विकास पदाधिकारी बता रही थी। अब यह समझने वाली बात है, क्या इस तरह का काम रुकना नहीं चाहिए? क्या प्रतिशोध के भावना से काम कर रहे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जिस समय ये लोग शपथ लेते हैं, आपको याद होगा शपथ में क्या कहते हैं कि हम अपने पद के गरिमा को बनाकर रखेंगे, हम तमाम लोगों को एक साथ लेके चलेंगे, हम विकास के रास्ते पर चलेंगे, हम भेदभाव नहीं करेंगे। कहां गया वो शपथ, कहां गया वह वादा? अब यह देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में इस तरह के फ्रॉड करने वाले जैसा कि आरोप लगा रहे हैं, यह तो जांच का विषय है, परंतु इस तरह के काम करने वाले लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है जिससे कि दूसरे को भी सबक मिले और इंसान को न्याय मिले, दोषी को सजा मिले। लगातार तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 69 भारत के साथ। अभी हमें अनुमति, नमस्कार।